Welcome to online lecture of Sharad Vimore English High School. So today I am going to teach you Marathi. Lesson number 21, Bus Sthanak. Part 21, Bus Sthanak. Now what is meant by Bus Sthanak? Bus Sthanak means bus depot. Okay? Now see the picture over here. आपने देखा होगा ना बस स्थानक रहता है जहाँ पे buses line से खड़ी रहती है तो ये क्या है bus depot है means bus स्थानक है okay? Now see over here. चालक ये कौन है चालक देखो चालक चालक मींस ड्राइवर जो बस को चलाता है उसे क्या कहते हैं चालक ओके नाउ नेक्स्ट इज वाहक नाउ व्हाट इज मीन बाय वाहक वाहक मींस कंडक्टर ओके फेरी वाला देखो जो सेलर होते हैं आपने देखा होगा ना बस स्थानक बस डेपो वो हमेशा नॉर्मली रेलवे स्टेशन से नज़दीक ही रहता है बस डेपो और वहाँ पे क्या होती है नॉर्मली गवर्नमेंट बसेस रहती है राइट गवर्नमेंट बसेस हमारी रेड कलर की होती है तो देखो यहाँ पे रेड कलर की बसेस गिवन है ओके फेरी वाला मींस डिफरेंट टाइप ऑफ सेलर आते हैं मींस कोई फ्रूट बेचता है कोई फ्लावर्स बेचता है मतलब सेलर्स आते हैं ओके नाउ सी फड़ान से दुकान सी ओवर यहाँ कॉर्नर में क्या है फड़ान से दुकान फड़ान फड़ मींस फ्रूट और दुकान मींस शॉप सो फड़ान से दुकान मींस फ्रूट शॉप ओके देन ओवर यहाँ आरक्षण कश ये क्या है आरक्षण कश और देखो आरक्षण कश के बाहर लाइन लगी है आरक्षण कश मींस टिकट काउंटर जब टिकट के लिए आप लोग जाते हो ट्रेन टिकट के लिए बस टिकट के लिए आपने देखा होगा ना वहाँ पे क्यू लगा हुआ होता है लाइन लगी हुई होती है सो वही ये क्या है आरक्षण कश मींस टिकट काउंटर और यहाँ पे क्या है जो यात्री है वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे लाइन से क्यू में खड़े हैं टिकट लेने के लिए ओके नाउ चौकशी कश ये क्या है चौकशी कश मींस इंक्वायरी काउंटर ओके चौकशी कश मींस इंक्वायरी काउंटर नाउ सी ओवर है यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है ध्वनि शेपक मींस स्पीकर ओके देन ओवर यर सूचना फलक ये क्या है सूचना फलक मींस नोटिस बोर्ड आपला शहर स्वच्छ ठेवा मींस हमारा जो शहर है उसको क्या करना है क्लीन रखना है स्वच्छ रखना है स्वच्छ ठेवा मींस हमें हमारी सिटी कैसी रखना है क्लीन रखना है ओके एंड देन ओवर यर सी ओवर ये क्या है पुस्तकांचे दुकान मींस बुक्स शॉप ओके यहाँ पे क्या है देखो बुक्स लगी हुई है यहाँ पे कुछ कस्टमर्स खड़े हुए हैं बुक खरीद रहे हैं और ये क्या है उपहारगृह मींस गिफ्ट शॉप ओके सो ये पूरा क्या है बस स्थानक मींस बस डेपो का ये पूरा व्यू है नाउ नेक्स्ट इज स्वच्छ घर स्वच्छ परिसर क्या है पार्ट 22 स्वच्छ घर स्वच्छ परिसर ओके लेसन नंबर 22 नाउ स्वच्छ घर मीन्स साफ घर स्वच्छ परिसर मीन्स क्लीन हाउस क्लीन एनवायरमेंट ओके नाउ पहा व बोला नाउ सी ओवर यर देखो यहाँ पे क्या है एक आजी गिवन है मींस एक ग्रैंड मदर है और यहाँ क्या है एक मुलगा है एक लड़का है बोलो क्या कर रहे हैं भाजी साफ कर रहे हैं और उसे क्लीन कर रहे हैं ओके नाउ सी द सेकेंड पिक्चर देखो इसमें क्या है ये जो लड़की है वो क्या कर रही है झाड़ू मार रही है
सो ये गर्ल क्या कर रही है, स्वीपिंग कर रही है, झाड़ू मार रही है. ओके, वो क्या कर रही है, क्लीन कर रही है अपना हाउस. राइट, स्वच्छ घर मीन्स क्लीन हाउस. नाउ सी द नेक्स्ट पिक्चर. सी ओवर हियर, ओला कचरा, सूखा कचरा. देखो ये क्या कर रहे हैं, वो जो ओला कचरा मीन्स, ओला कचरा मीन्स गीला कचरा, वेट वेट गार्बेज, इसमें बकेट में डाल रहे हैं. ओला कचरा मीन्स वेट गार्बेज बकेट में डाल रहे हैं. एंड ओवर हियर सूखा कचरा, सूखा कचरा मीन्स ड्राई गार्बेज, मीन्स अलग अलग उसका बकेट दी हुई है कि इसमें गीला कचरा डालो और इसमें सूखा कचरा डालो. एंड नाउ द लास्ट वन इज, देखो ये कचरा आपने देखा होगा ना, नॉर्मली आपके वहाँ पर भी आपके मतलब आपके नज़दीक आती है घंटा गाड़ी, कचरे की गाड़ी आती है. तो ये क्या है, कचरे की गाड़ी है. ओके, गार्बेज वैन है. और देखो यहाँ पे क्या है, ओला कचरा मीन्स वो जो लेडी है वो क्या कर रही है, अपना गीला कचरा और सूखा कचरा उसने अलग अलग निकाला है तो वो उन्हें दे रही है. ओके, देखो यहाँ पे एक मैन भी है, वो भी क्या कर रहे हैं, वो कचरा दे रहे हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज लेसन नंबर 23, माझा अनुभव टू. नाउ अनुभव मीन्स एक्सपीरियंस, राइट. सो माझा अनुभव टू मीन्स ये पार्ट टू है, माय एक्सपीरियंस. ओके, एका व वाचा. शाळा सुटली मी घरी आलो. नाउ सी, शाळा सुटली, शाळा मीन्स स्कूल, शाळा सुटली मीन्स जो स्कूल है मेरी वो क्या हुई, उससे मतलब स्कूल का डिपार्चर टाइमिंग आ गया और मैं स्कूल से छूट गया. ओके, छुट्टी हो गई स्कूल की. मी घरी आलो, मी घरी आलो मीन्स के मैं घर पे आ गया. ओके, इकड़े तिकड़े पाहिले तर आई झोपलेली दिसली. नाउ सी, इकड़े तिकड़े पाहिले मीन्स इधर उधर देखा तो मुझे मेरी जो मॉम है वो क्या हुए दिखे, क्या करते हुए, झोपेली, झोपेली मीन्स सोते हुए दिखे. इकड़े तिकड़े पाहिले तर आई झोपलेली दिसली, मतलब यहाँ वहाँ देखा तो मेरी जो मम्मी है वो सोते हुए दिखे. या वेड़ी तो ऐसी कधीच झोपत नहीं, मीन्स या वेड़ी मीन्स ऐसे ये टाइम पर तो कभी भी मुझे मेरी मम्मी सोते हुए नहीं नज़र आते. मी आई जवर गेलो मीन्स मैं अपनी मम्मी के पास में गया. आई तुला बर वाटत नहीं का, और उसने मम्मी के पास में जाकर क्या पूछा कि मम्मी तुम्हारी तबीयत तुमको सही नहीं लग रही है क्या. असे विचारत मी तिचर शेजारी बसला. असे विचारत मीन्स ये बोलते बोलते मैं उनके पास में जाकर बैठ गया. आईच्या अंगाला हाथ लावून पाहिले, और फिर बैठकर मैंने अपनी मम्मी के बॉडी पे हाथ लगाकर देखा. आईला खूब ताप आला होता, तो जो मम्मी थी वो क्या हुआ, उनको खूब ताप आला होता मीन्स वो उनको फीवर था, बीमार थे वो. तिचे अंग तापाने फण फणत होते मीन्स उनका जब वो हाथ लगाकर देखा तो आईचा खूब ताप आला होता मीन्स आई को क्या हुआ था, वो बहुत बीमार हो गए थे, राइट. तीछे अंग तापाने फण फणत होते मीन्स जब वो हाथ लगाकर देखा सर पे तो उनका जो बॉडी थी वो कैसी हो रही थी, एकदम फण फणत मीन्स एकदम गर्म थी उनकी बॉडी. मी लगेज ठंड पानी घेतले मीन्स फिर मैंने क्या किया, जाकर ठंडा पानी लिया. स्वच्छ रुमाल घेतले, उसके बाद में उसमें स्वच्छ रुमाल मीन्स साफ हैंडकरचीफ भी लिया. तो ठंड पानियात बुड़वला, और उसके बाद में वो क्लीन हैंडकरचीफ को वो ठंडे पानी में उसने क्या किया, डुबाया. मी आईचा कपड़ावर रुमालचा घड़िया ठेवून लागलो,
और फिर मैंने क्या किया, अपनी आई के कपड़ावर मीन सर पे वो रुमाल रखना चालू किया। काही वेड़ाने आई से ताप थोड़ास कमी झाला। फिर थोड़े देर बाद जो मेरी मम्मी थी उनकी जो मतलब जो बुखार थी वो थोड़ा मतलब आंख जो गर्म था वो थोड़ा कम हुआ। मी डॉक्टरा कड़े गेलो, उसके बाद में मैं क्या किया, डॉक्टर के पास में गया। त्याना घरी घेऊन आलो, और डॉक्टर के पास में जाकर मैंने उन्हें घर पर लेकर आया, डॉक्टर को घर पर लेकर आया। डॉक्टर आनी आयला तपास ले, तो फिर जब डॉक्टर आए तो उन्होंने क्या करे, आकर मम्मी को तपास ले मीन्स चेकअप किए, चेक किए। औषधे लिहुन दिली, और चेक करने के बाद में उन्होंने जो मेडिसिन है वो लिख कर दिए। औषध लिहुन दिले मीन्स डॉक्टर ने क्या किए, मेडिसिन लिख कर दिए। चेकअप करने के बाद में डॉक्टर मेडिसिन देते हैं ना, तो वैसी ही उसकी मम्मी का चेकअप करके उन्होंने क्या करे, डॉक्टर ने मेडिसिन लिख कर दिए। ओके, मी आईला चाहा करुन दिला, तो फिर वो जो लड़का था उसने क्या किया, अपनी मम्मी को चाय बना कर दिया। चाहा मीन्स टी बना कर दिया। ओके, थोड़िया वेड़ाने आईला झोप लागली, थोड़ा वेड़ियाने मीन्स थोड़े ही टाइम में मम्मी को क्या हुई, फिर से आँख लग गई, फिर से नींद लग गई। मी घर आवरले मीन्स फिर आँख लगने के बाद में मैं मी घर आवरले मीन्स मैंने क्या किया, फिर घर की साफ सफाई चालू कर दिया। घर स्वच्छ झाड़ून घेतले, क्या किया, घर में पूरा अच्छे से एकदम स्वच्छ झाड़ून मीन्स एकदम साफ झाड़ू मारे। तेवड़ियात बाबा आलो मीन्स जब मैं क्लीनिंग कर ही रहा था तभी क्या हुआ, तभी बाबा आए, बाबा मीन्स डैडी आए। ओके, त्यानी डॉक्टरानी दिलेली औषध आनली, और वो आते आते क्या किए, जो डॉक्टर ने लिख कर दिए थे ना मेडिसिन्स वो लेकर आए। आईला दिली, और आने के बाद में उन्होंने क्या करे, आई को मीन्स मम्मी को दिए। अतः आईला थोड़ा बरे वाटू लागले, तो फिर अभी मम्मी को थोड़ा एकदम मतलब तबीयत में सही लगने लगा। आई उठून बसली, तो जब थोड़ा सही लगने लगा तो मम्मी उठकर बैठ गई। बाबा मना ले, तो फिर बाबा मीन्स डैडी बोलने लगे, तू उठू नकोस मीन्स तुम उठ के मत बैठो, आराम कर मीन्स थोड़ा रेस्ट करो। जेवनाच मी बगतो, खाने को मैं देख लूँगा। आईच्या चेहरावर समाधान दिसले, आईच्या चेहरावर समाधान दिसले मीन्स मम्मी के फेस पे क्या हुआ, एकदम सेटिस्फैक्शन दिखाई दिया। आईच्या आनंदानी चेहरा पाहून आम्हालाही आनंद झाला मीन्स मम्मी का एकदम सुकून भरा चेहरा देखकर मुझे भी क्या हुआ, सुकून हो गया। ओके, न माझा अब अनुभव का मतलब क्या था, मेरा एक्सपीरियंस, राइट, माय एक्सपीरियंस। शाळा सुटली मीन्स जब स्कूल छुटी। मी घरी आलो मीन्स जब स्कूल छुटी तो मैं क्या हुआ, घर पर आया। इकड़े तिकड़े पाहिले तर आई झोपलेली दिसली मीन्स इधर उधर देखा तो मुझे मम्मी सोते हुए नजर आए।
या वेड़ी ती अशी कधी झोपत नाही, मीन्स ये टाइम पे जो मम्मी है कभी भी सोते नहीं है। मी आई जवळ गेलो, तो मैं क्या किया, मम्मी के पास में गया। आई तुला बर वाटत नाही का, मीन्स मम्मी क्या तुम्हारी तबीयत सही नहीं है। असे विचारत मी तिच्या शेजारी बसला, ऐसा बोलते हुए मैं मम्मी के पास में जाकर बैठा। आईचे अंग हाथ लावून पाहिले, और मम्मी के जो बॉडी है उस पर हाथ लगाकर देखा। आईला खूब ताप आला होता, मीन्स मम्मी की जो बॉडी थी वो कैसी थी, एकदम हॉट थी। तिचे अंग तापाने फणफणत होते, मीन्स उनकी जो बॉडी थी वो कैसी एकदम गर्म से फनफना रही थी, शिवर कर रहे थे। ओके, मी लगेज ठंड पानी घेतले, तो मैंने क्या किया, फटाक से ठंडा पानी लिया। स्वच्छ रुमाल घेतले, और फिर एक साफ रुमाल भी लिया। तो ठंड पानियात बुड़वला, मीन्स वो जो साफ मैंने हैंडकरचीफ लिया था उसे क्या किया, मैंने वो ठंडे पानी के अंदर डुबाया। मी आईच्या कपड़ावर रुमालचा घड़िया ठेवू लागले, मीन्स मैं मम्मी के सर पे वो रुमाल की पट्टी बनाकर रखने लगा। काही वेड़ाने आईचा ताप थोड़ास कमी झाला, मीन्स काही वेड़ाने मीन्स थोड़े टाइम बाद में जो मम्मी की जो बॉडी थी जो एकदम गर्म थी वो थोड़ी नॉर्मल होने लगी। मी डॉक्टराकडे गेलो, मीन्स फिर मैं डॉक्टर के पास में गया। त्याने घरी घेऊन आलो, और फिर उनको जाकर मैंने घर पे लेकर आया। किसको लेकर आया, डॉक्टर को लेकर आया। डॉक्टरानी आईला तपासले, तो डॉक्टर ने क्या करे, मम्मी को तपासे, औषध लिहून दिले, और तपासने के बाद में उन्हें मेडिसिन्स दिए। मी आईला चाह करून दिले, और फिर जो मैं था मैंने क्या किया, अपनी आई को मम्मी को चाय बनाकर दिया। थोड़िया वेड़ाने आईला झोप लागली, थोड़े टाइम में आई को क्या हुई, नींद लग गई, आँख लग गई। मी घर आवरले, तो आँख लगने के बाद में मैंने क्या किया, घर साफ करना चालू किया। घर स्वच्छ झाड़ून घेतले, मीन्स घर में क्या किया, एकदम साफ झाड़ू मारा। तेवड़त्या बाबा आलो, मीन्स तभी क्या हुआ, डैडी घर में आए। त्यानी डॉक्टरानी दिलेली औषध आणली, और वो आते आते जो डॉक्टर ने मेडिसिन्स दिए थे वो लेकर आए, आईला दिली, और फिर आकर वो क्या करे, मम्मी को दिए। अतः आईला थोड़े बरे वाटू लागले, तो अभी जो है उनको थोड़ा सा अच्छा लगने लगा था। आई उठून बसली, तो मम्मी क्या करे, उठ के बैठ गई। तू उठ नकोस, तो ऐसा किसने कहा, वो लड़के ने कहा क्या कि तुम उठो मत, आराम कर, थोड़ा रेस्ट करो। जेवणाच मी बगतो, मीन्स खाने को मैं देख लूँगा, जेवण मीन्स खाना, तो मीन्स मैं खाने को क्या करूँगा, देख लूँगा। आईचा चेहरावर समाधान दिसले, मीन्स आई की मम्मी के चेहरे पे कैसा लगा, एकदम सेटिस्फैक्शन लगा। आईचा आनंदानी चेहरा पाहून आम्हाला ही आनंद झाला, मीन्स मम्मी का एकदम सुकून वाला चेहरा देखकर मुझे भी सुकून मिला। नाउ नेक्स्ट लेसन, दैट इज लेसन नंबर 24, ईद, पार्ट 24 ईद। ओके, नाउ ईद, आप लोगों को तो पता ही है ईद, राइट? सो सी, ईद क्या है, ईद मुस्लिम्स फेस्टिवल है, राइट? ईद मुसलमान का फेस्टिवल है, त्योहार है, राइट? नाउ एका व वाचा, ओके, लिसन एंड से। जान सुरभी अजय सगड़े खेड़त होते, मीन्स ये सब कौन है, जान सुरभी अजय, मीन्स ये तीनों जो थे सगड़े, सगड़े मीन्स सारे, ये जो थे क्या कर रहे थे, खेड़त होते, खेड़त होते मीन्स ये लोग सब खेल रहे थे, प्ले कर रहे थे। इतक्या शेजारचा अरमान आला, मीन्स उतने में ही वहाँ पे क्या हुआ, अरमान आया, अरे सॉरी उस्मान आया। ओके,
त्याने आज नवीन कपड़े घातले होते। तो देखो वो जो उस्मान था उसने आज क्या किया था, आज उसने नए कपड़े पहना था। तो जवळ येताच अजियाने विचारले, अरे उस्मान आज नवीन कपड़े, आज काय वाढदिवस आहे का तुझा? नसी। तो जवळ येताना अजियाने विचारले, मीन्स जैसे ही वो हम लोग के पास में आया, तो वो जो अजय था, अजय ने पूछा, अरे उस्मान क्या पूछा? देखो, अरे उस्मान आज नवीन कपड़े, मतलब अरे उस्मान आज तुमने न्यू क्लोथ्स पहने, आज का वाढदिवस आहे का तुझा? तो वो क्या पूछ रहा है कि आज क्या तुम्हारा वाढदिवस, वाढदिवस मीन्स बर्थडे, तो वो पूछ रहे कि आज क्या तुम्हारा बर्थडे है क्या? ना उस्मान, अब देखो उस्मान क्या बोल रहा है, ना ही आज रमजान ईद आए। तो वो क्या बोल रहा है कि नहीं, आज क्या है, आज रमजान ईद है। आप लोगों को पता है ना, रमजान ईद जब 30 दिन के रोजे पूरे होते तो हम क्या करते, ईद मनाते हैं, राइट। सो अब वो क्या बोल रहा है उस्मान कि नहीं, आज मेरा बर्थडे नहीं है, आज क्या है, आज रमजान ईद है। अम्मी ने तुम्हारा सर्वाना लगेज घरी बोलावले, मीन्स मम्मी जो है, अम्मी मीन्स मम्मी, राइट। तो अम्मी ने क्या किए है, तुम्हाला सर्वाना मीन्स तुम सबको घर पे आज बुलाए है। अजय कशाला, तो देखो वो जो अजय है वो पूछ रहा है कशाला मीन्स क्यों बुलाए। उस्मान, अरे शीर कुर्मा खायला चला सगड़ेच जाऊया। तो वो जो उस्मान है वो क्या बोल रहा है, अरे क्यों, वो पूछा ना जब अजय के क्यों बुलाए है, तो उस्मान ने क्या कहा कि अरे शीरकुर्मा खायला मीन्स शीरकुर्मा खाने के लिए बुलाए हैं, चला सगड़े जाऊया, तो चलो सब लोग खाने के लिए। सगड़े मिडुन उस्मानच्या घरी जाता, तो सब मिलकर क्या किए, उस्मान के घर पे गए। अम्मी या मुलानो, तो देखो उनकी जो मम्मी है वो क्या बोलने लगी, या मुलानो मीन्स आओ आओ बच्चों अंदर आओ, ऐसा। बसा आज ईद का दिवस, तो वो क्या बोले, बैठो आज क्या है, आज ईद का दिवस मीन्स आज हमारी ईद है, आज हमारा फेस्टिवल है। आमच्या कड़े आज शीर कुर्मा असतो, तो वो क्या बोल रहे हैं कि आज मेरे पास में क्या है, शीर कुर्मा है। सगड़ानी पोट भर खा, तो मैं क्या कर रही हूँ, तुम लोग को सर्व कर रही हूँ, तुम लोग सब क्या करो, एकदम पेट भर के खाओ। देखो ये कौन है, उस्मान की मम्मी है, राइट, अम्मी है, और ये उस्मान और ये सारे दोस्त है, ओके। सुरभी, अम्मी शीरकुर्मा मंजे का है, तो देखो जो सुरभी है उसने पूछी कि मम्मी शीरकुर्मा किसको बोलते हैं। अम्मी, तो देखो अभी अम्मी क्या बोल रहे हैं, शीरकुर्मा मंजे, मतलब शीरकुर्मा क्या होता है, सेवई अंचे खीर मीन्स जो सेवई होती है उसकी खीर, त्याचा मध्य और उसके अंदर सेवई के साथ साथ दूध मीन्स मिल्क, साखर मीन्स शुगर, मुनक्के आप लोगों को पता है ना, ड्राई फ्रूट्स है ये सारे, मुनक्के काजू खारिक बादाम इत्यादि पदार्थ अस्तो मीन्स सारे ड्राई फ्रूट्स, सेवई और मिल्क रहता है उसमें और शुगर रहती है, राइट। हे सांगता सांगता अम्मी ने सर्वाने शीर कुर्मा दिले, मीन्स ये बोलते बोलते मम्मी जो है सबको क्या किए, शीर कुर्मा दिए। मुले आनंदाने खाओ लागली, तो सब जो है बच्चे वो एकदम मजे में वो खाने लगे। हे सांगता सांगता अम्मी ने सर्वाना शीरकुर्मा दिले, मुले आनंदाने खाऊ लागली, मीन्स जैसे ही मम्मी ने फिर सबको सर्व किए, तो फिर जो मुले थे मीन्स जो बच्चे थे वो एकदम आनंद आने मीन्स सुकून में क्या करे, शीरकुर्मा लेकर खाने लगे। जान, खरच अम्मी शीर खुरमा खूपच छान झाल्या, मीन्स वो क्या बोला, वेरी गुड मम्मी, ये जो शीर कुर्मा है वो कैसा है, एकदम टेस्टी है।
सर्वजन, अच्छा ये तो अम्मी, तो फिर सब क्या बोलने लगे, अच्छा चलो अभी हम लोग जाते हैं, आएंगे वापस। अम्मी, परत या बर का पुड़ाचा ईदला पण या शीरकुर्मा खायला, तो वो क्या बोले, वापस आना जब हमारी नेक्स्ट ईद होगी तभी भी तुम लोग क्या करना, वापस आना शीरकुर्मा खाने। ओके, नाउ सी ईद, ईद क्या है, हमारा फेस्टिवल है, मुस्लिम्स का फेस्टिवल है, राइट। सो जान सुरभी अजय सगड़े खेड़त होते, तो जो जितने भी ये जो बच्चे हैं जान सुरभी अजय ये सब क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। इतके आज शेजारचा उस्मान आला, तो उतने में क्या हुआ, वहाँ पे उस्मान आया। त्याने आज नवीन कपड़े घातले होते, तो उसने क्या किया था, आज न्यू ड्रेस पहना था। तो जवर येतांचा अजय ने विचार ले, तो जैसे ही उसने आया तो वो जो अजय था वो उससे पूछने लगा उस्मान से, अरे उस्मान आज नवीन कपड़े, उसने क्या पूछा कि अरे उस्मान आज तुमने न्यू ड्रेस पहने हो, आज का है वार दिवस आए का तुझा, मीन्स क्या कि आज क्या है तुम्हारा बर्थडे है क्या उस्मान, तो उस्मान ने क्या रिप्लाई दिया, नहीं आज रमज़ान ईद आए, मीन्स उसने क्या रिप्लाई दिया कि नहीं आज क्या है, आज रमज़ान की ईद है। अम्मी ने तुम्हार सरवाना लगेज घरी बोलावले, मीन्स मम्मी ने क्या किए, तुम सबको भी घर पे बुलाए हैं। अजय कशाला, तो अजय पूछने लगा कि क्यों बुलाए हैं। उस्मान, अरे शीरकुर्मा खायाला, चला सगड़े जाऊया, मीन्स के अरे शीरकुर्मा बुला, किसने बोला ऐसा, उस्मान ने बोला, क्या बोला कि अरे शीरकुर्मा खाने बुलाए हैं, चलो सब मेरे घर पे। सगड़े मिलून उस्मान अच्छे घर ही जाता, मीन सब मिलकर क्या करे, उस्मान के घर पे गए। अम्मी या मुलानो, तो मम्मी ने क्या बोली कि या मुलानो, मीन्स आओ आओ बच्चों, आज ईद सा दिवस, आज क्या है, आज ईद का दिवस है, फेस्टिवल है। आमचा कड़े आज शीरकुर्मा असतो, तो आज क्या है, मेरे पास में शीरकुर्मा है। सगड़ाने पोट भर खा, तो तुम लोग सब क्या करना, एकदम पेट भर के खाना। सुरभी, अम्मी शीरकुर्मा मन से कहे, तो सुरभी ने क्या पूछी कि शीरकुर्मा क्या होता है मम्मी। अम्मी शीरकुर्मा मंजे शेवयांचे खीर, तो शीरकुर्मा क्या होता है, शीरकुर्मा मतलब सेवई की खीर होती है। त्या मध्य दूध साखर मुनक्के काजू खारिक बादाम इत्यादि पदार्थ अस्तो, तो उसमें दूध काजू और ये सारे ड्राई फ्रूट्स उसमें रहते हैं। ओके, हे सांगता सांगता अम्मी ने सर्वाने शीरकुर्मा दिले, मीन्स ये बोलते बोलते मम्मी ने सबको शीरकुर्मा दिए। मुले आनंदाने खाऊ लागली, तो जो बच्चे थे वो एकदम आनंदाने मीन्स एकदम सुकून में खाने लगे। जान खरच अम्मी शीरकुर्मा खूबच शान झाल्या, तो वो क्या बोलने लगा, तो वो क्या बोला कि खरच अम्मी, कि हाँ सही बोले, शीरकुर्मा खूब शान झाल्या, मीन्स के ये जो शीरकुर्मा है वो कैसा एकदम मस्त है। सर्वजन अच्छा ये तो आमी, तो सबने क्या बोले कि चलो अभी हम लोग फिर आते। अम्मी परत या बर का, तो वो क्या बोले कि अभी हम लोग फिर मिलेंगे। पुड़ियाचा ईदला पण या शीरकुर्मा खायला, मीन्स अब जो नेक्स्ट ईद रहेगी उसमें तुम आना शीरकुर्मा खाने को। ओके,